कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अंडेमान निकोबार। होगा क्या किया तूने अभी? म्यूजिक खुले थे। क्या? और इसने देखो गंद डाला हो, अपने कपड़े निकाले हो इसका। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मुंह के 12 बजे हुए हैं क्योंकि बैक टू बैक बर्थडे पार्टियां अटेंड की जा रही है गोले के साथ। माँ मैं थक गया हूँ माँ। अब जाने की तैयारी है कहीं पे। आओ दीदी ले आओ टैचिया। Yes! दो टैची मेरे रूम में रख दो दीदी, दो गोले की है। सो गर्मी बाहर बहुत है और बस यार मैं एक बात बोलती हूँ, दो तीन दिन से बर्थडे पार्टी अटेंड कर रही हूँ ना मैं बच्चों के साथ। बर्थडे पार्टियों में बहुत मजा आ रहा है यार, बच्चों की इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो रहन दो फिर। मतलब बच्चों को देखने का टाइम मिल रहा है, मैं कितनी देर पे कभी बच्चे को ये स्लाइड पे लेके गई गोले को, कभी उसमें, कभी बलून्स में, कभी घोड़े में बिठाया, कभी हाथी में, मतलब मजा ही आ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अंडेमान निकोबार। बताओ। अच्छा अंडेमान निकोबार जा रहे हैं, उसके लिए आप मुझे बताओ पासपोर्ट लेके जाएं या ना? पासपोर्ट चाहिए होगा वहाँ पर या नहीं? नहीं, नहीं? गई नहीं ना। पर कहाँ है वो मुझे बताओ। वो भी मुझे पता नहीं। तो उसके लिए बताओ पासपोर्ट चाहिए होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है कोई और कंट्री है या भारत में ही है? अंडमान निकोबार भारत में है। तो फिर पासपोर्ट ले या ना ले? नहीं ले। पक्का भारत में ही है अंडमान निकोबार, फॉरेन कंट्री नहीं है? पक्का सोच लो अभी। सोच रही हूँ मैं। हाँ तो सोचो, क्या बोल रही थी? इंडिया में ही है। ये बच्चन साहब बताएंगे अभी। लॉक किया जाए? लॉक कर दिया और वो घर से चले भी गए। सो दीदी हम बाहर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गोवा। फिर से? अरे भैया भड़की गई। हाँ फिर से, आप कहते हो ना घुमाओ घुमाओ, घुमाएंगे अभी। हम गए थे ना। हाँ तो क्या हो गया, मजा तो आया था ना? कैसी है यार? हर्ष अंदर है, उसका थोड़ा दाना पानी चल रहा है, जो खाता पीता है गर्म पानी ये वो। सो एक बात तो तय हो गई है कि रूपा दीदी है जो गोले को नहीं सीखने देती कि मम्मी कहो मम्मी। अभी वेले बैठे हुए थे हमने, मैंने इसको बोला कि रूपा दीदी इसको बोलो ना मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी माँ कहाँ है, माँ मम्मा कहाँ है, मम्मा अम्मा कहाँ है। इतनी चीजें बोलोगे तो बच्चे को माँ थोड़ी दीदी आएगा। चौदह महीने का हो गया। इसको पूछो दीदी मम्मा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी बाबू, मम्मी 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 कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है, पापा दीक्षा कहाँ है, दीक्षा दीक्षा लव यू गोली। आ भी गया दीक्षा के पास। यार मैं सो गई थी, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं अब जब उठी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्तों, मैं अभी भी नहीं उठ रही थी। शीला उठाने आई, दीदी लाइट जला दूँ, मैं कहा लाइट, मैं तो अभी सोई थी। ये आम रस ना, आम रस में कुछ है। गोला नीचे जा चुका है, मैं फिर फ़ोन पे लग गई थी। 3 मिलियन हो गए हमारे यूट्यूब के, यानी कि हमारी फैमिली यूट्यूब की 3 मिलियन हो चुकी है। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतनी विशेज आई है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी रूपा दीदी को मैंने बोला नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ। नहीं, हर्ष आएगा फिर बताएंगे। सो मैंने कहा था नहा के मिलूँगी, मैं एकदम नहा के रेडी हो गई हूँ। वो अलग बात है कि 8 बज रहे हैं और झूठ बोल रही है, ये मेरे को तो बिल्कुल नहाई भी नहीं लग रही। यू आर राइट ब्रो। वाह, बिल्कुल भी नहीं। और तुम? मैंने एड फिल्म में लड़कियां देखी हैं, जब वो नहा के आती है तो पूरा ऐसे बाल गीले होते हैं, खुद के तेल लगा पड़ा है बालों पे। ये बाल पता कैसे कैसे सुखाती है, ऐसा मार के, कोई ग्लैमर ही नहीं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बोलो। बात ही खत्म हो गई थी।
तो दोस्तों आप हमारे बेड के खिलारे से पता चल गया होगा क्या किया तूने अभी। म्यूजिक खुली थी। क्या? मेरी जिप खुली थी। पांक। सो दोस्तों इधर 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 जल्दी आ। पता है ना अभी हम कहाँ जा रहे हैं? रूपा दीदी को पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। सो मैंने कहा था कि हर्ष आएगा तो बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी सौरभ जोशी के घर और हम जाएंगे जो हमारी बहुत देर से इच्छा थी दर्शन करने की नीम करोली बाबा। वहाँ पे जाने के मतलब बुलावा आ ही गया है। पिछले एक महीने से हर बंदे से बात कर रहे हैं उसी की बात निकल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे को लगता है कि उन्होंने हमें बुलाया। सच में बड़ा मजा आ रहा है। गोले के साथ जा रहे हैं। बहुत महीनों से उनके कभी फोटो देखने को मिल जाते थे कभी आए तो मैंने बोला हर्ष ये क्या हो रहा है तो मतलब बाबा ने हमें बुलाया है। तो हम जा रहे हैं कैची धाम यानी कि नीम करोली बाबा और हम जाएंगे सौरभ के घर भी। और रूपा दीदी को कुछ नहीं पता। सो अभी रूपा दीदी और सौरभ की मम्मी आमने सामने होंगी। देखते बेटा किसका होता है, है? कलेश पड़वा रहा, कलेश पड़वा रहा है। लेकिन सुन इधर हमने रूपा दीदी को बोला कि हम गोवा जा रहे हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? अरे इतनी कोई गंदी बात है? तभी मैं सोचूं बाहर मेरे पापा बोल रहे गोवा जा रहा है। मैंने नहीं मैं उनके सामने शायद बोला है कि नहीं बोला मुझे पता नहीं। एक पति पत्नी होते हैं ना जिनको थोड़ी फिकर होती है कि हमने कल जाना है, हमने 6:30 बजे घर से निकलना है, पैकिंग करवा दूं बीवी की। लेकिन क्या तुम मेरे टेंट में आओगे? ये बंदी बिचारी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं सुलाऊं बाबू को ये और फिर मैं आऊं और दीदी को इनको कपड़े बताऊं। है ना दीदी, क्योंकि हमें सुबह निकलना है, पता नहीं कहाँ जाना है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ मैंने बता दिया बेटा गोवा जा रहे हैं। गोवा गोवा जाएंगे। गोले क्या तुम मेरे टेंट में आओगे? गोले मैं टेंट में आओगे? अब तुम अगर नहीं निकले तो क्या तुम मेरे मुक्के के नीचे आओगे? क्या मुक्का खाओगे हर्ष? जुम 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 जुम। सो दोस्तों वो तो खेलने लगा हुआ था। मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। ये तो हो गई भैया मेरी पैकिंग, अच्छे से कपड़े। गोला को सुलाना है मगर भैया और गोला अभी भी खेल रहे हैं दोनों। और इसने देखो गंद डाला हुआ, अपने कपड़े निकाले हुए, इसका बैग पकड़ा हुआ, पकड़ा कह रही हूँ, बैग पड़ा हुआ है। चलो चल भाज जा, तू चल भाज जा, वापिस जा। ओए ओए छोटे हाथी, ए एलिफेंट विस्पर, चलो बाहर। ओ तुम्हारे पीछे घर आ रहा है। हो दीदी एलिफेंट विस्पर तुम्हारे पीछे। यार क्या बदतमीजी है। बोले दीदी ये क्या बदतमीजी है। बोले गोले चल जाओ यहाँ से। बोले ये गुफा। गोले अभी देखना है। गोले मैं नहीं देखूंगी, उखाड़ता हूँ तारा तेरिया सारिया। बोले देखो क्वा दे दे मुझे। कैसा बना हुआ तेल लगा के ऐसे लगता है हमारे घर में बर्फ देने आया होता है। बर्फ वाले का बेटा होता है ना। बर्फ चलो पाजी बर्फ देती जाओ। आ जाओ जाओ यार ये नहीं करेगा पैकिंग, मुझे ही करनी पड़ेगी खुद से इसकी पैकिंग। सारे काम मैं ही करूं वरना ये सुबह और सुबह मुझे पता बात भी करने का मन नहीं करता एक दूसरे से। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हो और ये चिड़ी जाएगा दिखना मेरे पे सुबह। मेरी तो पैकिंग हो गई है, हर्ष का खलारा पड़ा हुआ है और इधर हमारी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और रूपा दीदी क्योंकि गोला सोया नहीं था, गोला सो गया, फिर हम लोग खाना खाने लग गए। अभी हम गोले को हर्ष के पास छोड़ कर आए हैं, हर्ष बैठा है और हम फटाफट पैकिंग करेंगे। क्यों दीदी? हाँ चल दीदी हम गोवा जा रहे हैं। हाँ दीदी गोवा। हाय रब्बा, रूपा दीदी को लगता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम शायद वहीं पे बस जाएं, घर ले लेंगे हम। इसीलिए दीदी ये भी ले लूं वो भी ले लूं। क्यों
गोला के लिए दीदी। अरे मुझे पता है अपने लिए थोड़ी लोगे छोटे छोटे कपड़े, बट गोला के लिए इतने सारे कपड़े क्यों? बस दीदी मुझे अच्छा लगता है उसको पहनाना। पर दीदी इतना बाहर, इतना 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, मत लो दीदी ठंड भी नहीं अभी। दोस्तों मैं हार चुकी हूँ इस औरत के साथ, मैं और नहीं बैठ सकती। दीदी ये रखूँ? हाँ रख लो, अगर उधर ठंड हुई तो फिर दूसरा ले लो, पर अगर गर्मी हुई तो। अरे तो मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मैं कह रही हूँ कि 2-3 टी शर्ट हाफ बाजी वाली रख लो, 2-3 उसके सैंडल्स रख लो, 2 फुल रख लो, बट मैं जा रही हूँ भैया, हम बच्चा ले लिया अपना अंदर, बस हम सो रहे हैं, ये लगी रहेगी अपने आप से बातें करेगी, ये रख लूँ वो रख लूँ। ओ कुंडल दीदी, कर लोगी ना? हाँ कर लूँगी। कितने बजे उठोगी सुबह? 4 बजे। 4 बजे उठ के क्या करोगी, फिर यही करोगी? कितने बजे? घर से 6:30 बजे निकलना है, आप उठो 6:45 बजे, फटाफट हो जाएगा। नहाना है तो नहाते हुए नाचना है, रील बनानी है। तो चलिए भाई उधर जाके देखती हूँ उसने क्या किया है। सॉरी गाइस, यार ऐसे कैसे वीडियो बनाते वक्त छींक आ सकती है। अब मैं जाके देखती हूँ कि मिस्टर लिम्बाचिया ने क्या किया है। देख तो आपने देखा होगा मैंने कैसे पैकिंग कर ली और मुझे बीच में कैसे तंग कर रहा था, वो भी देखा ना आपने। और इस बंदे की अभी तक पैकिंग नहीं हुई। घर में टोपी पहन के कौन घूमता है? मेरे बालों में तेल है और तूने ही बोला कि मैं बर्फ देने वाला लग रहा हूँ, तो तू चाहती है कि मैं बर्फ देने वाला लगूं? ये क्या है? ये मेरे कपड़े हैं। ये लगेगा अभी 2-3 घंटे। तो चलिए थैंक यू सो मच पूरा व्लॉग देखने के लिए। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, आ जा इधर, बाय बाय कर दिए। बाय गाइस, मेरे को तो इस औरत ने पैकिंग करने नहीं थी, बार बार बोल रही थी कि टाइम लैप्स चल रहा है, आ मेरे साथ मस्ती कर, आ मुझे छेड़, आ मुझे छेड़। तो इसने टाइम लैप्स में खुद छिड़वाया है अपने आप को और नाम मेरा लगाया है। तो सब जानते हैं कि तू कितना शरारती है, कितना चलाक है। एयरपोर्ट लुक है ना गाइस, वो इतना कमाल होने वाला है, ऐसा ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना है, ऐसा लग रहा है कि मनीष मल्होत्रा ने बनाया है। एकदम हीरो हीरो बन के जा रहा है ये बंदा, और एक भी मीडिया नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं। के लिए तो मैं जीता ही नहीं हूँ, मीडिया के लिए हर्ष लिम्बाचिया नहीं जीता। किसके लिए जीता है? फेमस होने के लिए। नहीं नहीं यार, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। ओहो ओके चाचा जी, मेरे मुझे बच्चों निकल गया, थैंक गॉड भारती ने मुझे पकड़ा नहीं, क्योंकि बच्चा है ना हमारा। तो नीम करोली बाबा की जय। यार बड़ी एक्साइटेड है जाने के लिए, है ना? सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो थूक की जो छींटे है ना, थूकों की गुस्ताखी है। बाय बाय बाय, कल मिलते।